Good morning, everyone. In the previous class of reservoir engineering, we were discussing the topic fluid flow through porous media, in which we have discussed the factors which were if affecting the flow. Okay, the flow through porous media, what were the factors which were affecting the flow? So these factors were what? The type of fluid, right? The type of fluid on the basis, they were categorized on the basis of their compressibility, compressible fluid, incompressible fluid, and the slightly compressible fluid. Next, we have discussed the flow enzymes. How many type of flow enzymes are there? There are three type of flow enzymes are there, which were steady state, unsteady state, and the last one is pseudo steady state. Okay, and then we have discussed the reservoir geometry. There can be radial flow, linear flow, according to the characteristics of the reservoir. Okay, and the last one is the number of flowing fluid in the reservoir. How many phases are there present in the reservoir? Okay, basically there are three type of fluids we consider as reservoir fluid, which are gas, oil, and water. So how many phases are present there? On the basis of these phases, we categorize or these phases affect the flow behavior of the reservoir. ठीक है कि जो भी आपका flow है, please mute yourself, check your mic and mute yourself. Okay. So on the basis of कि कितने type के fluids हैं, there may be single phase, two phase flow or three phase flow. Three phase flow में क्या होगा? अगर gas, oil और water तीनों का production हो रहा है, right? Two phase flow में किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लाइक वाटर एंड ऑयल प्रोड्यूस हो सकता है, गैस एंड ऑयल प्रोड्यूस हो सकता है, गैस या वाटर प्रोड्यूस हो सकता है. सो दीज वर द फोर फैक्टर्स और द डिसाइडिंग फैक्टर्स विच अफेक्ट द फ्लो थ्रू पोरस मीडिया. ठीक है, रिजर्वायर में जो भी फ्लो होगा आपकी, उसकी फ्लो रेट को डिसाइड करने के लिए ये फैक्टर्स वर्क करेंगे. तो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेडी स्टेट. ठीक है, आपके जो कोर्स में है वो है स्टेडी स्टेट को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो स्टेडी स्टेट जो आपका फ्लो एंजाइम है, ठीक है, लेट्स सी स्टेडी स्टेट फ्लो एंजाइम में हमने क्या देखा था. आपका जो स्टेडी स्टेट फ्लो एंजाइम होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका प्रेशर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है विद द टाइम एंड लोकेशन एज वेल एज. ठीक है, टाइम के साथ जो आपका प्रेशर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते. तो जब टाइम प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं है, उसका वैल्यू कांस्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द रिजर्वायर, तो आपका जो डिफरेंशियल होगा, मतलब चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा, जीरो. तो हमने देखा था डेल पी अपॉन डेल टी क्या था, जीरो. लास्ट क्लास में हम ये वाला रिजाइम हम पढ़ चुके हैं. मैं आपको अगेन आई विल टेल यू कि स्टेडी स्टेट में क्या होता है, आपका जो प्रेशर होता है वो सारी लोकेशंस पे कांस्टेंट होता है. इसलिए डेल पी अपॉन डेल टी मीन्स चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट एनी लोकेशन, आई इज द लोकेशन है, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो. तो आपका डेल पी अपॉन डेल टी यहाँ पे जीरो होता है स्टेडी स्टेट के लिए. फिर हमने पढ़ी थी डिफरेंट डिफरेंट फ्लो ज्योमेट्रीज, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियल फ्लो ज्योमेट्रीज एंड लीनियर फ्लो ज्योमेट्री. तो इन टूडेज क्लास दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो ज्योमेट्रीज एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूड्स. ठीक है, ये सारे जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हम उनकी उनका जो फ्लो रेट है या फ्लो बिहेवियर है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, इस तरीके के कॉम्बिनेशन में, जैसे कि अगर आपका जो रिजर्वायर है उसमें लीनियर फ्लो है विद द फ्लूड इज देयर, क्या है, इनकंप्रेसिबल फ्लूड है. आपका जो फ्लूड है प्रोड्यूस हो रहा है, हमने अज्यूम किया कि फ्लूड है जो कि इनकंप्रेसिबल फ्लूड है और फ्लूड फ्लो है जो आपका लीनियर है. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द रिजर्वायर एंड एज वेल एज द टाइप ऑफ द फ्लूड. ठीक है, रिजर्वायर का ज्योमेट्री कैसा हो सकता है, लीनियर हो सकता है, रेडियल हो सकता है, हमने पढ़ा था स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल ये हो सकता है. लेकिन जो हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस, विच इज लीनियर फ्लो एंड एज वेल एज द रेडियल फ्लो. ठीक है, तो लीनियर फ्लो के लिए भी हम तीनों टाइप के फ्लूड के लिए स्टडी करेंगे, लीनियर फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, लीनियर फ्लो ऑफ स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूड एंड द लीनियर फ्लो ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूड. इसी तरीके से हम जो रेडियल फ्लो होता है, रेडियल फ्लो के लिए भी तीनों टाइप का जो फ्लूड्स हैं उनके लिए जो फ्लो रेट की इक्वेशन होगी, उनका फ्लो बिहेवियर कैसा होगा और जो फ्लो रेट की इक्वेशन होगी उसको हम डिटरमाइन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इन टुडेस क्लास वी विल ट्राई टू कवर द लीनियर फ्लो ज्योमेट्रीज. ठीक है, ऑल द लीनियर फ्लो ज्योमेट्रीज. तो लेट्स स्टार्ट विद द लीनियर फ्लो ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूड.
तो जो आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूड होता है, इसका मतलब क्या होगा कि फ्लूड के वॉल्यूम में या डेंसिटी में प्रेशर में चेंजेस करने के साथ कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट? कि जो आपका डेल वी अपॉन डेल पी है वो भी जीरो है, एंड डेल रो अपॉन डेल पी है वो भी जीरो है, कि हम प्रेशर में, जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, आपका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है एज वेल एज द डेंसिटी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ठीक है? ऐसे फ्लूड होते हैं आपके इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, ठीक है? तो लीनियर फ्लो कब होगा, जब एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हमने माना कि एक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया से आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है? जैसे कि आप ये वाला लीनियर मॉडल देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने इसमें अज्यूम किया इस लीनियर मॉडल में कि आपका जो फ्लो है वो ये मतलब इस तरफ, यहाँ ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको हमने माना ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कांस्टेंट है, तो ये बोथ साइड से फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ से ये फ्लो एंटर कर रहा है इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से, आपका एरिया जो है वो कांस्टेंट है, और यहाँ से जो आपका फ्लूड है वो आउट हो रहा है, ठीक है? इन एंड आउट। देन आपका जो फ्लो है, मतलब यहाँ पे इनकी जो ये वाला जो आप मॉडल देख रहे हो, इसकी साइड से, टॉप से, बॉटम से कोई भी फ्लो नहीं हो रहा, कोई भी फ्लो है जो पास नहीं करेगा, ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में चलेगा, मतलब इस वाला डायरेक्शन में, यहाँ से ये इन होगा, यहाँ से ये आउट होगा, ठीक है? और जो आपका एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने मान लिया कि द वेलोसिटी एंड द फ्लो रेट एज वेल एज द फ्लो रेट इज ऑल्सो कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है? इस लीनियर फ्लो मॉडल में हमने माना कि आपका जो फ्लो रेट है या वेलोसिटी ऑफ फ्लूड है वो सारे पॉइंट्स पे कॉन्स्टेंट है, राइट? तो यहाँ पे हमने जो डार्सिस इक्वेशन है वो हमने लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में जब भी हमने स्टडी किया था, हम फ्लो बिहेवियर पढ़ रहे थे तो हमने डार्सिस इक्वेशन पढ़ा था। तो आपका जो डार्सिस इक्वेशन होता है वो क्या होता है कि वो स्टेट करता है वेलोसिटी ऑफ एनी फ्लूड इज प्रपोर्शनल टू द प्रेशर ग्रेडियंट एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ, और हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है? फिर जब आपका प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटता है तो यहाँ पे एक परमेबिलिटी, जो जिसको हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कहते हैं, यहाँ पे ये परमेबिलिटी का साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है? तो आपका जो डार्सिस इक्वेशन है वो क्या है, वी इक्वल्स टू के बाई म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स, ठीक है? के यहाँ पे क्या है, रिजर्वायर का परमेबिलिटी, म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे ये इक्वेशंस, ठीक है? डेल पी अपॉन डेल एक्स है आपका प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है? कि लेंथ के रिस्पेक्ट में आपके प्रेशर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि आपका जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में जाने पे आपका प्रेशर है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है? दोनों रिवर्स डायरेक्शन चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में तो फ्लो हो रहा है मतलब लेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं फ्लो की डायरेक्शन में तो लेंथ तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो आपका एम आई ऑडिबल टू यू राइट नाउ? यस मैम, वी आर ऑडिबल। ओके ओके, हाँ, तो आपका जो फ्लो हो रहा है मतलब लेंथ इंक्रीज हो रही है, इस डायरेक्शन में आपका प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि फ्लो हमेशा क्या होगा, जहां होगा फ्लो जब आपका प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब कि एक पॉइंट पे आपका प्रेशर ज्यादा है और दूसरे पॉइंट पे प्रेशर कम है, तो फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा, जहां आपका हाई प्रेशर है वहां से लो प्रेशर की डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहाँ पे अगर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है दैट मीन्स कि जो आपका P1 है इट इज एट हाई प्रेशर एंड P2 इज एट लो प्रेशर, राइट? तो हम क्या करेंगे, ये जो लीनियर मॉडल है इसका हमने एक सेक्शन मान लिया, ठीक है? यहाँ पे आप पहले देखोगे डार्सिस इक्वेशन है तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए, फ्लो रेट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है? इसके यूनिट आप डिवाइड करोगे तो क्यू बाई ए क्या बना देता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूड। तो इसको हम फिर इस इक्वेशन को यूज करके हम इसको इसको फ्लो रेट की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें क्या चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट चाहिए, तो क्यू आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, ठीक है? तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय द एरिया व्हिच गिव्स अस द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड, दिस इज योर डार्सीज इक्वेशन और डार्सीज लॉ, राइट? तो हमने एक लेंथ अज्यूम किया, एक इसका जो लेंथ का सेक्शन है उसमें हमने एक छोटा सेक्शन लिया, जिस डीएक्स सेक्शन, ठीक है, लेंथ का एक सेक्शन लिया। हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, आपने इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही होगा कि वेरिएबल सेपरेट करके हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक तो यहाँ पे जो आपके वेरिएबल्स है डेल पी
तो प्रेशर डेल पी के लिए जो है हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, पी वन से पी टू लिमिट लग जाएगा, ठीक है। और आपका जो क्या है डेल एक्स, ये है लेंथ, तो ओवर द लेंथ आपकी लेंथ जीरो टू एल, ठीक है, ये लेंथ है, तो इसके अलोंग हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे लेंथ और प्रेशर। हमने क्या किया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, यहाँ पे आपका डेल पी है एंड दिस इज योर डेल एक्स, ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट किया, तो जीरो से एल लेंथ के अक्रॉस यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, और प्रेशर आपका क्या है पी वन से पी टू तक, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली एक्स आएगा, लिमिट लगाएंगे एल हो जाएगा, ठीक है, एल माइनस जीरो सिंपली एल हो जाएगा, यहाँ पे डेल पी आपका, डेल पी का इंटीग्रेशन किया तो पी आएगा प्रेशर, पी की टर्म उस पर लिमिट लगाई तो क्या हो जाएगा पी टू माइनस पी वन, यहाँ पे पी टू माइनस पी वन होता है, नेगेटिव साइन अंदर गया तो क्या हो जाएगा पी वन माइनस पी टू, ठीक है, तो ये हमारे रिजल्टिंग इक्वेशन मिल जाएगी, क्यू इक्वल्स टू के ए पी वन माइनस पी टू अपॉन म्यू एल, म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, एल इज द लेंथ, ठीक है, जो भी मॉडल है जितना लेंथ से फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है, एल इज द लेंथ हेयर, राइट। तो दिस इज योर डार्सिस इक्वेशन फॉर व्हाट, फॉर लीनियर फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू फील्ड यूनिट, जैसे कि ये वाला जो इक्वेशन है ये ओरिजिनल इक्वेशन है, इसमें सारे जो जो टर्म्स हैं उनमें उनकी यूनिट क्या है, एक बार हम वापस रिकॉल कर लेते हैं, हम प्रीवियस क्लास में भी इसको स्टडी कर चुके हैं डिटेल में, जो आपका फ्लो रेट है वो किस में है, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में आपका फ्लो रेट है, जो आपका परमेबिलिटी है इस ओरिजिनल इक्वेशन में, परमेबिलिटी का जो यूनिट है वो डार्सीज है, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया विच हुज यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर का यूनिट है, पी वन माइनस पी टू यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप है, प्रेशर ड्रॉप प्रेशर का यूनिट है एटीएम, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, आपका विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड जो कि म्यू है वो सेंटीपॉइज में ही है, और लेंथ आपका सेंटीमीटर में, ठीक है, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो सारे यूनिट सीजीएस में चल रहे हैं, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को जो डार्सिस इक्वेशन है लीनियर फ्लो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, इसको अगर हमें फील्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम देख चुके थे लास्ट क्लास में, सॉरी, तो फील्ड यूनिट में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा 0.001127 ठीक है, तो ये जो 0.001127 है, this is the conversion factor which is converting the units of these properties into field units. Q यहाँ पे क्या हो जाएगा? Barrel per day में. Q is the flow rate of fluid which is in barrel per day. ये units आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, which is very important. K is the permeability here. उसका यूनिट क्या है? मिलीडार्सी, ठीक है, MD is the मिलीडार्सी. प्रेशर किस में हो जाएगा? PSIA में, ठीक है, म्यू इज द विस्कोसिटी जिसका यूनिट सेम ही रहेगा सेंटीपॉइज में, और जो आपका लेंथ है जिस डिस्टेंस के अक्रॉस अलोंग जो आपका फ्लूइड है वो ट्रेवल कर रहा है तो L है, यहाँ पे फीट में हो जाएगा, पिछले वाले में क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन में सेंटीमीटर में था, ठीक है, एंड आपका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा फीट स्क्वायर में, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें जिसके अक्रॉस आपका फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर लीनियर फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो मैंने आपको बताया था जब हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पढ़ा था कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम अपने डेरिवेशन या इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की तरह ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो इक्वेशन है वो आपके सिंपल हो सके, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में क्या हो जाएगा कि प्रेशर के साथ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, आपका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रेशर के साथ वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है तो आपका जो फ्लो रेट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। अब जो आपका जो सेकेंड टाइप का जो कैटेगरी थी वो क्या था, ये तो हमने देख लिया लीनियर फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जिसके लिए जो जनरल हमने डार्सिस इक्वेशन पढ़ रखी थी फॉर लीनियर मॉडल, दैट वाज द इक्वेशन, ठीक है। अब जो आपका सेकेंड वन आता है लीनियर फ्लो ऑफ स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड, तो स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए आपको इफ यू रिमेंबर हमने इक्वेशंस देखी थी, ठीक है, स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमने ये वाला जो इक्वेशन को यूज करते हुए हमने इसका जो तो हमें जो रिजल्टिंग इक्वेशन मिला था, ठीक है, हमने एक रेफरेंस प्रेशर अज्यूम किया था, वॉल्यूम दिया था, ठीक है, एक रेफरेंस प्रेशर पे जो आपका पी रेफरेंस प्रेशर है इस पे आपका जो वॉल्यूम है वो वी रेफरेंस है, ठीक है,
और पी प्रेशर पे आपका जो वॉल्यूम है वी है। तो हमें वी कैलकुलेट करना है किसी भी प्रेशर पी पे, और यहाँ पे हमें रेफरेंस प्रेशर पता होता है, और सी इज द कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइड का कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये हमें रिजल्टिंग इक्वेशन मिली थी वॉल्यूम के टर्म्स में, दिस वॉज द इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन, इसी वॉल्यूम की इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए इक्वेशन को डिराइव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वी इक्वल टू क्या है, वी रेफरेंस ब्रैकेट में 1 प्लस सी प्री रेफरेंस माइनस पी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज करके वी विल कैलकुलेट द फ्लो रेट। ठीक है, फ्लो बिहेवियर फॉर स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लो। तो लेट्स सी, एंड द फ्लो ज्योमेट्री आपकी क्या है, वो लीनियर मॉडल है। ठीक है, तो हाँ, दिस इज द लीनियर फ्लो ऑफ स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लो। तो आपका जो फ्लो मॉडल है वो वही रहेगा, लीनियर फ्लो हो रहा है आपकी जो रिजर्वर ज्योमेट्री में। ठीक है, तो ये वाला हमने रिलेशनशिप अभी जस्ट देखा था, हमने प्रीवियस क्लास में जब हमने फ्लूड टाइप ऑफ फ्लूड्स पढ़े थे, तब हमने स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूड पढ़ा था, और हमने देखा था कि ये जो आपका रिलेशन है वो कैसे आया। ठीक है, वी इक्वल्स टू पी रेफरेंस प्लस 1 प्लस सी पी रेफरेंस माइनस पी। ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशन है वॉल्यूम के लिए जो रिलेशन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वी क्या है, वॉल्यूम है, इसको जस्ट कुछ नहीं किया, V की जगह हमने Q को रिप्लेस कर दिया। वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फ्लो रेट। ठीक है, फ्लो रेट आपका क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने V को रिप्लेस करके यहाँ पे Q को, जो आपका फ्लो रेट है, उसको यहाँ पे असेंबल कर दिया। तो यहाँ पे फ्लो रेट के टर्म में हमें इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी Q रेफरेंस है, Q रेफरेंस इज द फ्लो रेट एट द प्रेशर P रेफरेंस। ठीक है, P रेफरेंस मतलब कि हमने एक स्टैंडर्ड प्रेशर मान लिया, तो इस नॉन प्रेशर P रेफरेंस प्रेशर पे आपका फ्लो रेट है वो कितना है। यहाँ पे हम ये जो इक्वेशन है वॉल्यूम की इक्वेशन, वो क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर के साथ वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे हैं। जो लास्ट हमने यूज किया था इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, अभी लीनियर फ्लो के लिए देखा, तो हमने सिंपल डार्सिस इक्वेशन यूज किया था, ये वाला इक्वेशन आया था। ठीक है, रिजल्टिंग इक्वेशन क्यों आया था, क्योंकि आपका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए आपका फ्लो जो फ्लो रेट है थ्रू आउट द रिजर्वायर इट विल बी कॉन्स्टेंट। लेकिन यहाँ पे जो आपका स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूड है, उसमें उसके प्रेशर में ये वॉल्यूम में चेंजेस को शो करेगा प्रेशर में चेंजेस के साथ। ठीक है, इसीलिए हमें इसको कंप्रेसिबिलिटी के फैक्टर को कंसीडर करना जरूरी है। ठीक है, तो इस जो वॉल्यूम वाले टर्म्स थे, इसको हमने फ्लो रेट के टर्म्स में डिफाइन कर लिया। यहाँ पे आपका P रेफरेंस प्रेशर पे फ्लो रेट है वो Q रेफरेंस है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को यूज करके, ये आपके जो Q है वो फ्लो रेट का है। ठीक है, तो हम इस Q की वैल्यू को क्या करेंगे, डार्सिस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, सिंपली जो हमने डार्सिस इक्वेशन अभी देखी थी ना, रिजल्टिंग इक्वेशन, ये जो फील्ड यूनिट में है, ये जो आपके डार्सिस इक्वेशन थी, ये अगर आप Q बाई A कर दो, ठीक है, इस A को इधर ले आओ, Q बाई A कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो सिंपली बस हम क्या करेंगे, इस Q की जगह हम क्या करेंगे, हमें ये वैल्यू साइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो Q इक्वल्स टू क्या होता है, ये वैल्यू पुट कर देनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, बस Q बाई A की जगह इसने क्या किया, Q की वैल्यू को पुट कर दिया, जो आपकी Q इक्वल्स टू क्या था, रेफरेंस प्रेशर पे, और कंप्रेसिबिलिटी आपकी इंट्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो आपकी फ्लो रेट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग डार्सिस इक्वेशन के बराबर। ये बस कन्वर्जन फैक्टर क्या कर रहा है, सारे जो यूनिट्स हैं उनको फील्ड यूनिट में कन्वर्ट कर रहा है सारे प्रॉपर्टीज के। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है हमें, कुछ नहीं, जो भी आपके वेरिएबल्स है उनको सेपरेट करके और उनका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, दैट्स इट। आपका परमेबिलिटी कांस्टेंट है, विस्कोसिटी कांस्टेंट था, ये बाहर आ जाएंगे कन्वर्जन फैक्टर के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रेशर वाले टर्म थी, यहाँ पे क्योंकि हमें डेल पी अपॉन ये प्रेशर वाले टर्म है, उसके अलोंग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो डेल पी अपॉन ये वाले प्रेशर वाले टर्म यहाँ पे अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, और इंटीग्रेशन कर देंगे हम प्रेशर पी वन से पी टू तक, और यहाँ पे जो डेल एक्स है उसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो डेल एक्स का क्या हो जाएगा, जीरो से एल लेंथ के अलोंग इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन को हम परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे वन अपॉन एक्स, जैसे कि इसको आप पूरे टर्म को एक्स की तरह यूज कर सकते हो, तो वन अपॉन एक्स आपका क्या होता है, ठीक है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे एल एन एक्स आ जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है उसको पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, दिस इज योर रिजल्टिंग इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू रेफरेंस के लिए, ठीक है,
क्यू रेफरेंस इज द फ्लो रेट एट रेफरेंस प्रेशर पी रेफरेंस, ठीक है, जो भी हम पी रेफरेंस, जो भी हम रेफरेंस प्रेशर ले रहे हैं उस पे आपका जो फ्लो रेट है वो हमें फ्लो रेट का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करके इसको फ्लो रेट रेफरेंस फ्लो रेट के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द योर रिजल्टिंग इक्वेशन एंड जो आपका पी वन प्रेशर है, ठीक है, उस पी वन प्रेशर को हमने क्या माना, अपस्ट्रीम प्रेशर, मतलब जो आपका रिजर्वायर से सरफेस तक फ्लूड आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, जिस प्रेशर से आता है उसको हम कह रहे हैं कि अपस्ट्रीम प्रेशर से आ रहा है, वो आपका पी वन प्रेशर है, या रिजर्वायर से हम मान लिया कि वेल बोर फ्लूड तक आ रहा है, ठीक है। फिर डाउनस्ट्रीम प्रेशर जब वो सरफेस पे आ गया, ठीक है, तो पी टू इज द डाउनस्ट्रीम प्रेशर, तो पी वन से पी टू पे फ्लो हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे इसका सबका यूनिट क्या है, PSI, परमेबिलिटी, विस्कोसिटी, ये सब यूनिट सेम है, परमेबिलिटी का यूनिट मिलीडार्सी में है, विस्कोसिटी यहाँ पे सेंटीपॉइस में है, और यहाँ पे जो बस एक चेंज आया क्या कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है विच इज सी, ठीक है, सी इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ द फ्लो, जो भी फ्लूड आपका फ्लो हो रहा है उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, एंड इसका जो कंप्रेसिबिलिटी है उसका यूनिट क्या होता है, PSI इनवर्स, ठीक है। तो दिस इज फिर हमें क्या करना है, हमें जिस भी प्रेशर पे फ्लो रेट को कैलकुलेट करना है, लाइक हमें जो हमारा अपस्ट्रीम प्रेशर है उस पे फ्लो रेट को कैलकुलेट करना है, तो हमारा जो रेफरेंस प्रेशर हो जाएगा उसको हम किसके बराबर रखेंगे, पी रेफरेंस को हम पी वन के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो हमें क्यू जो फ्लो रेट एट अपस्ट्रीम प्रेशर क्या मिल जाएगा, क्यू वन, इस तरीके से देखिए आप, बस ये वाला जो इक्वेशन आप देख रहे हो इसमें हमें क्या करना है, अगर मुझे पी वन प्रेशर पे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगी, जो आपका रेफरेंस प्रेशर है उसको मैं पी वन अज्यूम कर लूंगी, ठीक है। तो पी वन, अगर रेफरेंस प्रेशर आपका पी वन हो गया तो मुझे पी वन प्रेशर पे क्या मिल जाएगी, क्यू वन फ्लो रेट मिल जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन आप इस तरीके से देख सकते हो, दिस इज योर इक्वेशन, कि जब, क्योंकि अगर मैंने क्या किया यहाँ पे पी वन को रेफरेंस प्रेशर रखा, ठीक है, तो P1 को reference pressure रखा तो P1 equals to क्या हो गया, P reference, तो P reference minus P reference यहाँ पे zero हो गया, नीचे वाले term क्या बची, 1 plus 0, 1, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो आपकी जो resulting equation क्या आई, 1 plus P reference मैंने क्या माना था, P1, तो यहाँ पे ये वाली equation में देख रहे हो P1 minus P2, that's it, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन। तो ये जो अगर मैं पी वन को रेफरेंस प्रेशर मान रही हूँ, मतलब पी वन इक्वल टू पी रेफरेंस पुट कर रही हूँ, तो मुझे जो फ्लो रेट मिलेगी वो क्यू वन मिलेगी, ठीक है। तो क्यू वन जो फ्लो रेट मिल रही है वो जो वो पी वन प्रेशर पे मिल रही है, इसी तरीके से क्यू टू फ्लो रेट मिलेगी वो पी टू प्रेशर पे मिलेगी, कुछ नहीं करना है, जो रेफरेंस प्रेशर था अगेन इस इक्वेशन में, जो रेफरेंस प्रेशर पी रेफरेंस है उसको, उसकी जगह मुझे पी टू पुट कर देना है, ठीक है। तो इसमें P2 ऊपर वाले टर्म में पुट करोगे, P2 minus P2 अगेन ये जीरो हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म 1 हो जाएगी, 1 प्लस क्या हो जाएगा, P2, 1 प्लस C, P2 minus P1, ये वाली आपकी इक्वेशन, ठीक है। ये Q2 फ्लो रेट मिल जाएगी क्योंकि P2 प्रेशर पे हम निकाल रहे हैं, तो फ्लो रेट आपकी Q2 है, तो यहाँ पे ये मेंशन है, वेयर Q1 एंड Q2 आर द फ्लो रेट्स एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ये जो आपका लीनियर मॉडल था, एट दिस इज एट पॉइंट 1, दिस इज योर पॉइंट 2, तो P1 प्रेशर पे जो फ्लो रेट है वो Q1 है आपकी, P2 प्रेशर पे जो फ्लो रेट है वो Q2 है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लो रेट्स क्यों आ रही है, कांस्टेंट फ्लो रेट क्यों है, क्योंकि जो आपका फ्लूड है हमने उसको अज्यूम किया है दैट फ्लूड इज स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूड, तो स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूड में क्या होता है कि आपका जो जो वॉल्यूम है फ्लूड का वो प्रेशर के साथ चेंज होगा, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से, ठीक है। तो दिस इज योर रिजल्टिंग इक्वेशन, ये आपके फ्लो रेट्स की इक्वेशन है, कब कब यूज करनी है, जब आपका फ्लो है वो लीनियर फ्लो है, ठीक है, जब आपका फ्लो है वो लीनियर फ्लो है और आपका जो फ्लूड है वो क्या है, स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूड, ठीक है, ये दो कंडीशन है, तो हमारी फ्लो रेट कैसे निकलेगी इन इक्वेशन, ये वाली जो आप ये वाली फाइनल इक्वेशन थी, बस किसी जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे पी रेफरेंस की जगह उस पॉइंट का प्रेशर रख दो, दैट्स इट, तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें फ्लो रेट मिल जाएगी, ठीक है। तो जब आपका फ्लूड है वो क्या है, स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूड है और जो रिजर्वर ज्योमेट्री है वो लीनियर है, तो हम फ्लो रेट कैसे निकालेंगे, इस वाले इक्वेशन से हम फ्लो रेट निकालेंगे। और जब आपका जो फ्लूड था, जो फ्लूड मॉडल था वो लीनियर फ्लो था, ठीक है, और जब आपका टाइप ऑफ फ्लूड था वो क्या था, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड,
ठीक है, उस केस में हम फ्लो रेट कैसे निकालेंगे, हम इस इक्वेशन से फ्लो रेट निकालेंगे। तो बेसिकली आपने क्या नोट किया कि जो आपकी गवर्निंग इक्वेशन है फ्लूइड फ्लो की, जो कि पोरस मीडिया में फ्लूइड फ्लो की इक्वेशन है, वो क्या है, डार्सीज इक्वेशन ही है। बस हमें डार्सीज इक्वेशन को मॉडिफाई करके टाइप ऑफ फ्लूइड के अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो रही है, ठीक है। तो ये हो, हमने दो टाइप के जो प्रोफाइल्स हैं आपके, लीनियर फ्लो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड लीनियर फ्लो फॉर स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड, ये हमने स्टडी कर लिया। अब आपके थर्ड टाइप की प्रोफाइल है लीनियर फ्लो फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो वी विल कवर दिस टॉपिक इन द अपकमिंग क्लास। ओके, नाउ यू गाइज कैन आस्क मी योर डाउट्स।